अयोध्या जनपद में विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कार्यरत जन सूचना अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नया नहीं है, ये पिछले लगभग 3 वर्षों से जनवरी 2016 से प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विभिन्न सरकारी दफ्तरों में जो जन सूचना अधिकारीगण कार्यरत हैं और जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारीगण कार्यरत हैं, उनको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015, इन दो कानूनों की के जो सुसंगत प्राविधान हैं उनके बारे में उनको अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि जन सूचना अधिकारीगण अच्छी तरह से ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर अपना काम कर सके। हमारा ये विश्वास है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की वजह से इसके द्वारा प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जा सके। जो नियमावली बनवाई गई है वो 2015 में तैयार की गई थी। उस नियमावली के प्राविधान जो हैं उनकी जानकारी जन सूचना अधिकारियों को अच्छी तरह से होनी चाहिए और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनको ये जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। इस प्रशिक्षण के दौरान बार बार एक बात मैंने दोहराई थी ताकि जन सूचना अधिकारीगण इस बात को गांठ बांध लें, और वो बात ये थी कि जन सूचना अधिकारी का जो प्रथम और प्रमुख दायित्व है वो सूचना उपलब्ध कराना है। सूचना ना देने का बहाना करना ये जन सूचना अधिकारी का काम नहीं है, और अगर वो सूचना ना देने का बहाना करते हैं तो अंततः गत्वा वो आयोग स्तर पर दंडित हो जाएंगे। इस बात को बार बार दोहराया गया था इस प्रशिक्षण के दौरान। यह भी बार बार दोहराया गया था कि जन सूचना अधिकारी केवल विधिक आधार पर, लीगल आधार पर सूचना देने से मना कर सकते हैं, और ये लीगल आधार जो है वो या तो अधिनियम की धाराएं हैं या फिर नियमावली का नियम है। अपना मनगढ़ंत कारण बना के वो सूचना देने से मना नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की वजह से हमारे प्रदेश के जन सूचना अधिकारी बेहतर जानकारी के आधार पर बेहतर काम कर पाएंगे। धन्यवाद। सर, एक सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों, ट्रस्टों या सेना से जुड़े जन सूचना, देखिए आपने 3 अलग अलग चीज़ें कही, राजनीतिक पार्टियों, ट्रस्टों और सेना। जहाँ तक सेना का प्रश्न है, सेना एक सरकारी संस्था है और अधिनियम की धारा 24 में सेना के जिन अंगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की परिधि के बाहर किया गया है उन अंगों के बारे में तो सूचना मांगे जाने पर मना किया जा सकता है। जिन अंगों को अधिनियम की धारा 24 के तहत सूचना देने से बाहर नहीं किया गया, एग्जेप्ट नहीं किया गया, वहाँ पर एप्लीकेशन अगर डाली जाती है तो सूचना उपलब्ध कराई जाती है। जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों का प्रश्न है, वो एक लीगल इशू है कि राजनीतिक पार्टी इस अधिनियम की डेफिनेशन के तहत पब्लिक अथॉरिटी है अथवा नहीं। पब्लिक अथॉरिटी की एक डेफिनेशन है, इस एक्ट में दी गई है, तो जब कभी ये प्रश्न उठेगा तब इसका लीगल जवाब ढूंढा जाएगा कि राजनीतिक पार्टी लोक प्राधिकरण की श्रेणी में आती है अथवा नहीं आती। यदि आती है तो उसको सूचना देनी होगी, यदि नहीं आती तो सूचना नहीं देनी होगी। लेकिन ये अभी तक किसी कोर्ट ने तय नहीं किया, जब कभी तय होगा तब उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।